गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द इंडियन कार। और अभी बजे हैं सुबह के 8:15 और मैं जा रहा हूं अपनी हैरियर 2019 जो कि एक साल पुरानी है उसकी सर्विस कराने। सो इसकी 45,000 किलोमीटर वाली सर्विस है, मैं आपको दिखा भी देता हूं। सो यहां पर इसकी जो 45,000 किलोमीटर वाली सर्विस है, सो ये अभी कार चल चुकी है 45,695। सो ये सर्विस वैसे मैं 700 किलोमीटर लेट हो गया कराने में, पर आज इसकी सर्विस कराते हैं और देखते हैं कैसे एक्सपीरियंस रहता है और आपको भी मैं पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा। सो अभी मैं जल्दी में हूँ, 9 बजे की मेरी अपॉइंटमेंट है, इसलिए मैं आपको ज़्यादा नहीं कार बाहर से दिखा रहा, पर मैं वहाँ पहुँच के आपको कार भी दिखाऊंगा और कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। मैं अपनी कार की सर्विस करा के आ गया हूँ और अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मेरा कितना खर्चा हुआ। फिलहाल कार चल चुकी है 45,776 किलोमीटर। सबसे पहले एस्टिमेट की बात कर लेते हैं, तो वो था 22,593 रुपीस का। और अगर मैं फाइनल बिल की बात करूँ तो फाइनल बिल आया, वो आया मेरा 19,103 रुपीस का। 45,000 किलोमीटर की फिफ्थ सर्विस थी, सो मेरे हिसाब से थोड़ी कॉस्टली थी ये सर्विस, बट ठीक है, अब जो हो गया। मैंने कोई भी चीज़ कटवाई नहीं, एक दो चीज़ें अननेसेसरी की थी बट उनसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था माउंट में, इसलिए मैंने नहीं कटवाई। एक बार मैं आपको कार बाहर से दिखा देता हूँ और फिर इस वीडियो में आपको अपना फाइनल रिव्यू देता हूँ। बाकी सर्विस के बाद एक मेजर डिफरेंस है, वो है गाड़ी के स्टार्ट होने में। सो गाड़ी काफ़ी कम आवाज़ कर रही है और सर्विस काफ़ी बढ़िया हो गई है। सो डिफरेंस चलाने में बहुत ज़्यादा कार में, क्योंकि जो इसकी सर्विस है वो 15,000 किलोमीटर बाद होती है जो मेजर सर्विस होती है, 7,500 किलोमीटर बाद माइनर सर्विस। सो इस वजह से भी सर्विस के बाद काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। इस गाड़ी वॉश भी हो गई है और अब काफ़ी अच्छी लग रही है वॉश होके भी। सो पूरा सर्विस जो इसकी 45,000 किलोमीटर वाली थी वो हो गई है, बाकी गाड़ी की वॉशिंग काफ़ी अच्छी हुई है। और एक जगह से मेरी कार लगी थी जहाँ से उन्होंने टच पेंट लगा के ठीक करा है, सो यहाँ से मेरी कार लगी हुई थी, सो यहाँ उन्होंने टच पेंट लगा दिया है, पहले से तो बेटर लग रहा है। सो फाइनल रिव्यू यही है कि सर्विस थोड़ी कॉस्टली हुई, पर टाटा के सर्विस सेंटर्स में फॉर श्योर काफ़ी इंप्रूवमेंट है और पहले से काफ़ी बेटर सर्विस अब वो प्रोवाइड कर रहे हैं। सो ओवरऑल अगर आप ये कार ले रहे हो तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि इस कार की सर्विस बहुत महंगी है, लगभग 19-20 हज़ार रुपये की आपको सर्विस पड़ जाएगी इसकी एक नॉर्मल सर्विस। सो अगर आप कार बहुत ज़्यादा चलाते हो तो आप सोच समझ के लेना कि आपको इसकी एक हाई सर्विस कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। और मैं अपनी हैरियर का रिव्यू भी करने वाला हूँ बहुत जल्दी, सो वो वीडियो भी आने वाली है। टिल देन गाइस स्टे ट्यून्ड, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और कोई भी थॉट्स हो तो आप नीचे कमेंट कर दो।